हेलो भाइयों, मैं हूं तुषार गौतम। और भाई, हमारे पास आज बहुत ही एक फेमस कार हुंडे क्रेटा ब्लैक कलर के अंदर है भाई, और SX ये वेरिएंट है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई क्या कुछ ये हमें ऑफ़र करती है। ये जो वेरिएंट है भाई, ये पेट्रोल के अंदर है। अब भाई, क्रेटा का नाम तो हर एक ने सुन रखा है, जैसे स्कूटी में एक्टिवा फेमस है, वैसे ही जो ये सेगमेंट है 15 से 20 लाख, या आप बोल सकते हो कि 10 लाख से 20 लाख की जो SUVs आती हैं मार्केट में, उसमें भाई ये लीड करती हैं। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। एक तो भाई हुंडई का ट्रस्ट, दूसरा जो इसका इंजन है भाई, काफ़ी रिलायबल मिलता है। ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है, इसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। डीजल भी ऑफर किया जाता है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये पेट्रोल के अंदर है। सो इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, हमें क्या कुछ ये ऑफर करती है। फ्रंट लुक से बात करोगे, एक तो भाई इसका जो ब्लैक कलर है ना, क्या ज़बरदस्त लगता है भाई। हालांकि ब्लैक कलर थोड़ा मेंटेन करने में इसको दिक्कत आती है, लेकिन जब ये साफ गाड़ी होती है और चमकती है ना भाई, एक अलग सी ही प्रीमियम लुक आती है। और ऐसे चमकते सूरज में जब आप इसको देखोगे ना, तो भाई कसम से प्यार हो जाएगा इस गाड़ी से। अच्छा, इसके फ्रंट लुक की बात करें अब, तो भाई मैसिव सी आपको इसकी ग्रिल मिलती है, जिसके आपको सराउंड में क्रोम मिलता है, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ग्रेश फिनिश दी गई है। सेंटर में हुंडई का लोगो मिलता है, और नीचे भी आपको ऐसा कुछ इसके अंदर दिया गया है ग्रे कलर के अंदर। इसकी हेडलाइट्स अगर आप देखोगे तो भाई कसम से बहुत ही प्रीमियम लगती हैं। ट्रायो बीम आपको इसके अंदर मिल जाती है। रात में इसका थ्रो इस जो है वो थोड़ा ओके मिलता है, कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है हेडलाइट की, लेकिन देखने में एक नंबर लगती है भाई। यहाँ पर ऐसे कुछ DRLs आते हैं। नीचे की साइड इसके अंदर फोग लैंप आते हैं, जो कि हेलोजन आपको दिए गए हैं। ये तो होगी भाई फ्रंट लुक की बात। और इसके बोनट पे देखोगे तो ऐसे कुछ आपको कर्व्स मिलते हैं, जो कि भाई इसकी ओवरऑल ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। और इसकी साइड लुक देखोगे तो भाई ऐसी कुछ आपको मिलती है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इसके अलॉयज की, तो भाई ऐसे कुछ इसके अंदर अलॉयज आते हैं। ये डुअल टोन वाले नहीं है भाई, जो कि टॉप वेरिएंट में आपको मिलते हैं। और इसके टायर सेक्शन की बात करें तो 215/60 R17 इंचज़ के आपको ये अलॉयज मिलते हैं। और डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं फ्रंट में इसको मिलते हैं। और यहाँ पर आप इसके ORVM देखोगे तो यहीं पर आपको इंडिकेटर मिलता है। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, और ऊपर आपको इसके अंदर रूफ रेल्स भी दी गई हैं सिल्वर कलर के अंदर। यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो सिल्वर फिनिश आपको आगे तक इसके अंदर दी गई है। तो भाई देखने के अंदर तो ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त लगती है भाई। और पीछे की साइड की बात करते हैं अब, इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो कुछ ऐसी मिलती हैं, जो कि फ्रंट में आपको जो DRLs मिलते हैं उसी शेप के अंदर इसकी जो टेल लाइट्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर ट्रायो बीम आपको ऐसे कुछ दे रखा है पीछे भी। यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है। SX की बैजिंग मिलती है। सेंटर में जो है क्रेटा की बैजिंग दी गई है, और नीचे की साइड आपको कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर और बैक लाइट भी दी गई है। तो भाई काफ़ी मैं बोलूँगा ब्लैक कलर के अंदर तो भाई एक नंबर लगती है ये। और इसके बूट की बात करें तो भाई ऐसा कुछ आपको इसका बूट मिलता है, जिसके अंदर आप अपने 3 से 4 बड़े बैग आसानी से रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। पार्सल ट्रे भी दी गई है। और यहाँ पर देखोगे तो एक स्पेयर टायर मिलता है, जो कि R16 का मिलता है। एक साइज कम का आपको दिया गया, जो कि हर कार में ऐसा ही आपको मिलता है। यहाँ से आप इसको पकड़ के और ऐसे बंद कर सकते हो। यहाँ पर आपको रियर वाइपर मिलता है डिफोगर के साथ। और यहाँ पर देखोगे तो आपको एक स्पॉइलर भी दिया गया है, जो कि इसकी लुक को और एनहेंस करता है।
तो भाई ऐसी कुछ इसकी एक्सटीरियर की लुक मिलती है। अब बात कर लेते हैं भाई क्रेटा के इंटीरियर की। और यहाँ पर देखोगे तो डोर हैंडल है जो क्रोम में मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में, और गेट खोलने के बाद आपको ऐसा कुछ इसका इंटीरियर मिलता है जो कि आपको डुअल टोन कलर के अंदर मिलता है, जो कि भाई काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने के अंदर। इसके डोर पर भी आपको जो है डुअल टोन फिनिश मिलती है। कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर ऑटो फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पर चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। ग्रैब करने के लिए हैंडल मिलता है, सिल्वर फिनिश के अंदर ऐसे डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, और यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है आपको, और ऐसे कुछ छोटा मोटा स्पेस रखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर बैठकर देखते हैं क्या कुछ हमें ऑफ़र करती है फीचर्स के मामले में। और यहाँ पर भाई बैठ गए हैं, और गेट करते हैं बंद और करते हैं कार का इग्निशन ऑन, और कार हो गई है भाई स्टार्ट। तो ऐसा कुछ इसका आपको इंटीरियर मिलता है। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको लेदर रैप्ड मिलता है, और कंट्रोल्स की बात करें इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ़ोन पिक और काटने के, वॉल्यूम के, और ऐसा कुछ आपको सिल्वर फिनिश मिलता है। डी कट के अंदर आपको स्टेयरिंग मिलता है जो कि अपने आप में काफ़ी एक प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस साइड में आपको इंडिकेटर के कंट्रोल इसी साइड दे रखे हैं, इस साइड आपको वाइपर के मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ आपको इसका मीटर मिलता है, हालांकि अभी ये ऑफ किया हुआ है। सेंटर में आपको MID मिल जाती है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और दो आपको एनालॉग मीटर दे रखे हैं। अब मेनली बात कर लेते हैं भाई इसके सेंटर कंसोल की, ठीक है। यहाँ पर आपको AC के वेंट्स मिलते हैं जो कैसे कुछ आपको सिल्वर फिनिश इसके सराउंड में मिलेगी, और यहाँ पर आपको जो है एक टच स्क्रीन मिलता है जिसके अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं भाई, एंड्रॉयड ऑटो से लेके एप्पल कार प्ले। अभी सन की रिफ्लेक्शन आ रही है तो कुछ ऑप्शन आपको विजिबल नहीं होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो लिखा गया है। ब्लू लिंक इसके अंदर मिल जाता है आपको, ऐसे कुछ उसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ बटन्स मिल जाते हैं इसके रिगार्डिंग, इसके कंट्रोल के रिगार्डिंग। इसके अंदर आपको ऑटो AC मिलता है जो कि एक अच्छा फीचर है भाई। साथ के साथ यहाँ पर आप जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपको हैजार्ड का बटन मिलता है। नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है, साथ में एक USB मिलती है, और यहाँ पर भी एक चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिलता है भाई SX जो वेरिएंट है उसके अंदर, जो कि भाई एक अच्छी बात है। यहाँ पर देखोगे तो गियर नोब आपको कुछ ऐसा मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, और 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पर दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर एक व्यू के लिए भी आपको एक बटन दिया गया है जो कि आप देख सकते हो। हालांकि इसके अंदर 360 कैमरा तो नहीं है अभी, बैक कैमरा जरूर मिल जाता आपको। जैसे ही आप जैसे बैक गियर इसका इंगेज करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर गाइडलाइंस के साथ आता है इसका बैक कैमरा। जैसे आप इसको ऐसे स्टेयरिंग को घुमाओगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिल जाती है, आर्मरेस्ट मिलता है, और ऐसा कुछ आपको स्टोरेज मिल जाता है इसके अंदर। कूल्ड आपको ये नहीं मिलता है, कूल्ड नहीं है ये। अच्छा, इसका ग्लो बॉक्स देखते हैं तो आपको ये कूल्ड मिल जाता है, और ऐसा कुछ आपको स्टोरेज इसके अंदर मिलता है। बाकी यहाँ पर ऐसे स्टिचिंग आपको ऐसे मिल जाती है जो कि देखने में अच्छी लगती है, हालांकि ऐसा कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल तो नहीं है लेकिन ऐसे फिनिश दी गई है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है डे एंड नाइट का, जो कि ऑटो डिमिंग के साथ आता है, और यहाँ पर इमरजेंसी के लिए भी आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं ब्लू लिंक और SOS के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट है भाई इसकी सनरूफ, मैसिव सनरूफ इस वेरिएंट में आपको मिल जाती है, जिसके कंट्रोल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर लाइट्स भी मिल जाती हैं ऐसे, जो कि आपको LEDs मिलती हैं।
यहाँ पर देखोगे तो आपको मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। जो कि भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे इंटीरियर तो काफ़ी प्रीमियम आपको मिलता है। हालांकि इसके जो कंपटीशन में XUV700 आती है, लेकिन भाई वेटिंग उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई एक सेफ बाय करना चाहता है ना भाई, पेट्रोल इंजन साथ के साथ एक थोड़ा हुंडे के साथ थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा है सर्विस को लेके भी, तो वो बंदे हुंडे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हालांकि XUV700 भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है भाई। अगर आप देखोगे ना वहाँ पे वाइट कलर के अंदर खड़ी है, क्योंकि भाई लुक्स और हर चीज़ में इससे तो ज़्यादा है, लेकिन अवेलेबिलिटी भाई उसकी है ही नहीं। क्रेटा से भी ज़्यादा वेटिंग के अंदर है वो, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो काफ़ी एक्सपेक्ट्स में वो इससे आगे है, लेकिन फिर भी लोग क्रेटा को भी पसंद करते हैं। इसकी अलग ही फैन बेस आपको मिलती है भाई। अच्छा, अब चलते हैं भाई पीछे की साइड और देखते हैं क्या कुछ है, हमें स्पेस ऑफर करती हैं। अभी ये सीट जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा पीछे कर रखी थी। इस साइड चलते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ स्पेस है इसके अंदर। तो भाई स्पेस इसके अंदर आपको डिसेंट मिल जाता है। मेरी जो हाइट है वो 6.1 है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये सीट भी थोड़ा पीछे की हुई है, क्योंकि मैं जब बैठा था आगे की साइड तो मैंने ये भी पीछे की थी। तो आप आसानी से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी। अच्छा, इसके डोर की बात करें तो आपको यहाँ पर ऐसे सनशेड मिल जाता है। तो भाई इसके ऊपर भी चलान है अगर आप रोड्स पर इसको लगा के घूमोगे। हालांकि कंपनी वालों ने दे रखा है, लेकिन फिर भी भाई इस पर चलान कर देते हैं पुलिस वाले। तो इसको मिनिमम आप इसको यूज़ करें। यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश मिल जाती है और पावर विंडो का बटन आपको मिलता है। नीचे की साइड आपको एक बोतल होल्डर भी दिया जाता है। और ऐसे भाई नज़ारे आते हैं पीछे से, तो सनरूफ के जो असली मजे हैं ना भाई, वो पीछे वाले बंदे लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और ये तो भाई एक्सेसरी के तौर पर लगाया गया है। बाकी आप पीछे देखोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी आता है सेंटर सीट पर, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सेंटर में कोई आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एसी के वेंट्स भी दिए गए हैं पीछे की साइड। यहाँ पर एक चार्जर के लिए आपको एक सॉकेट दिया गया है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हो। तो भाई ऐसा कुछ पीछे की साइड से नज़र आता है। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं जो मैं और आपको बताना चाहता हूँ। एक बार बाहर चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है भाई 190 mm की, जो कि भाई डिसेंट इनफ है इंडियन रोड्स के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आएगी, टच नहीं होगी। अगर आप मैस ज़्यादा ही ऑफ रोड पे लेके जाओगे तो ही आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वैसे कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। अच्छा, इसका जो बूट है वो मिलता है भाई आपको 433 liters का, तो मैं बताना भूल गया था। तो 433 liters का बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है। और इसका जो इंजन है पेट्रोल, वो और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा देखने के अंदर हमें मिलता है। फिट एंड फिनिश भी कैसी मिलती है। तो भाई ऐसा कुछ इसका हमें इंजन मिलता है, इंजन बे देखने में काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश इसकी हमें मिलती है। अच्छा, पावर फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई पेट्रोल इंजन है और 113 BHP की पावर ये जनरेट करता है, और 144 Nm का जो टॉर्क है वो ये जनरेट करता है, जो कि भाई डिसेंट पावर है। लेकिन अगर आप XUV700 से कंपेयर करते हो तो भाई उसके तो फिगर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ज़्यादा फन टू ड्राइव है एज़ कंपेयर टू दिस। लेकिन फिर भी इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, जिसको क्रेटा पसंद है ना भाई वो क्रेटा ही लेगा। लेकिन कहीं भी आपको ऐसे अंडर पावर ये नहीं लगेगी, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं भाई। तो भाई प्राइसिंग की बात करें तो
15 लैक्स के अराउंड इसकी एक शोरूम कीमत हमें मिलती है, और स्टेट्स के हिसाब से जो है ऑन रोड प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो अगर आप इसको हरियाणा में अगर आप लेते हो तो भाई 16.5 या 17 लाख के बीच में आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ती है ऑन रोड की, अगर मैं बात करता हूँ। तो भाई वीडियो में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी ने भी 3 फॉलोअर करके मेरे वीडियो को कमेंट किया ना, मैं उसको लिटरली शाउट आउट दूंगा, ठीक है।